दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे वो तीन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फूड एंड जॉब प्रोवाइड करते हैं। लॉकडाउन में ये इंस्टीट्यूट आपकी काफी हेल्प करेंगे स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब दिलाने में। यहाँ पे आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा तो आपके लिए तीनों इंस्टीट्यूट काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके इंटरेस्ट और फील्ड से रिलेटेड कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना काफी आसान है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो क्योंकि मैं तीनों इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारे डिटेल्स देने वाला हूं। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो तीन इंस्टीट्यूट कौन से हैं, कहां कहां पे उनके ब्रांचेज हैं और कैसे एडमिशन मिलेगा और कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला इंस्टीट्यूट है ICICI अकेडमी फॉर स्किल। ये अकेडमी ICICI फाउंडेशन की तरफ से लॉन्च किया गया था इंडियन यूथ को स्किल्ड बनाने के लिए। यहाँ 13 शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराया जाता है। यहाँ सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, फ्री में ट्रेनिंग, फ्री में यूनिफॉर्म, फ्री ब्रेकफास्ट एंड लंच, फ्री में सर्टिफिकेट। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों, यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 100%। दोस्तों ये कोई सरकारी स्कीम से नहीं चलता है, ये ICICI बैंक के ट्रस्ट से चलता है और ICICI फाउंडेशन पूरा मैनेजमेंट देखता है। इसीलिए यहाँ का प्लेसमेंट, कैंपस, फूड, टीचिंग क्वालिटी, फैकल्टी सब कुछ अच्छा है। दोस्तों ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 28 जगहों पे है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जगहों पे है। इनका वेबसाइट भी है और वहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। मैंने खुद जयपुर वाले ब्रांच में एक लड़के को कॉल किया था, उसने 72 डेज का सेल्स का कोर्स किया था और उसके पास कोर्स खत्म होने के 10 दिन पहले ही हाथ में जॉब ऑफर लेटर था। इस अकेडमी ने ऑल ओवर इंडिया में 1,45,000 बच्चों को फ्री ट्रेंड कर चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस एकेडमी में 28 ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में कहां कहां पे हैं और कौन कौन से 13 कोर्सेज हैं, ये सारी वेबसाइट पे इनकी अवेलेबल है। दोस्तों इनका वेबसाइट जो है वो है ICICIfoundation.org। तो दोस्तों इस एकेडमी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए गूगल में जाइए और सर्च करिए ICICI अकेडमी फॉर स्किल। जैसे ये सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ICICIfoundation.org/academyforskill, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। ये है ICICI फाउंडेशन का होम पेज और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में जो 3 पैरेलल लाइन है वहाँ पे क्लिक करना है और कोर्सेज ऑफर्ड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हो 28 ब्रांच के लोकेशन और 13 कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ब्रांचेस दिखा रहे हैं, औरंगाबाद में है, बेंगलुरु में है, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, दिल्ली, दुर्ग, गोरखपुर, पुणे, लखनऊ, जयपुर, पटना जैसे 28 जगहों पे है। आप पूरा चेक कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे कोर्सेज को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, नॉन टेक और टेक। दोस्तों नॉन टेक में 3 स्किल है और टेक में 10 स्किल है। नॉन टेक में है सेलिंग स्किल, रिटेल सेल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पे टेक में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंस रिपेयर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर रिपेयर, पंप एंड मोटर्स, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, सर्विस टेक्नीशियन जैसे यहाँ पे 10 स्किल है। तो दोस्तों इन 13 कोर्सेज को इस तरह डिजाइन किए हैं ये लोग कि कोई भी इन कोर्सेज को कर लेगा तो वो एक अच्छा टेक्नीशियन, सेल्समैन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, मैकेनिक बन सकता है और इस एकेडमी से स्किल्ड हुए बच्चों का 100% प्लेसमेंट हो जाता है। और दोस्तों भारत में इस समय बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में कोई भी एक हुनर सीखिए और तुरंत जॉब पकड़ लीजिए, बाद में एक्सपीरियंस बढ़ने पे आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप किसी भी एक हुनर में बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत सफल हो सकते हैं और काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे इसमें एडमिशन मिलेगा आपको। तो दोस्तों इस एकेडमी में एडमिशन पाने के लिए जो योग्यता रखी गई है, जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो 8th पास से लेकर जो बच्चे डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं, बेरोजगार हैं, वो लोग भी यहाँ पे जाके टेक्नीशियन, सेल्समैन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है। टोटल 28 ब्रांच है, सबका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उनको क्या करना है, जो भी आपके पास नियरेस्ट ब्रांच है, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉल करिए और पता करिए कि कब वो ब्रांच खुल रहा है, कब वो एडमिशन शुरू हो रहा है, कब वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। वो लोग पूरा गाइड करेंगे आपको और अभी लॉकडाउन की वजह से शायद 1-2 महीने बाद स्टार्ट हो, वो पूरा बता देंगे आपको कि कब स्टार्ट हो रहा है बैच। वहां पे जाके आपको एक दिन पहले जाना है इंस्टीट्यूट पे, वो एक छोटा सा बेसिक इंटरव्यू लेते हैं। बस वो ये चेक करते हैं कि सच में आप सीखना चाहते हैं, सच में आप बेरोजगार हैं, ये सब चीजें टेस्ट करते हैं वो। सिंपल एक इंटरव्यू होगा बेसिक, उसके बाद आपको एडमिशन दे देंगे। सिर्फ आपके आधार कार्ड से आपको एडमिशन मिल जाएगा, बहुत आसान है। तो उन 28 जो
ब्रांच है, उन सबका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे आप जाकर देख सकती हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो है रूटसेट। रूटसेट का फुल फॉर्म है रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये भी एक फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, ये कैनरा और सिंडिकेट बैंक के ट्रस्ट से चलता है। और दोस्तों रूटसेट के भी ब्रांच पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, टोटल 28 ब्रांच है दोस्तों। रूटसेट से आप ऑटो कैड, फोटोग्राफी, टैली, 3D मैक्स, हार्डवेयर नेटवर्किंग, ब्यूटिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, कार मैकेनिक जैसे बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए रूटसेट की वेबसाइट पर जाएंगे और गूगल में जाके सर्च करेंगे rootset.org। तो दोस्तों अभी हम लोग rootset.org पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिट सेक्शन में जाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बाद में भी पढ़ सकते हो, पूरा रूटसेट के बारे में, कब खुला, कौन मैनेजर है, क्या क्या प्लानिंग है, सब कुछ। तो फिलहाल अभी हम लोग यूनिट सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से ब्रांच किस लोकेशन पे है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ब्रांच मैनेजर कौन है, कैसे बात करना है, ये सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे आप यूनिट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 28 ब्रांच है टोटल, सबके एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं और इस समय ब्रांच मैनेजर कौन है उसका नाम भी दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने नजदीकी वाले ब्रांच, जो भी आपके नियरेस्ट जो भी ब्रांच है वहाँ पे आप कॉल करो, पता करो कि उस ब्रांच पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, कब स्टार्ट होंगे। अभी इस लॉकडाउन की वजह से टेम्पररी के लिए क्लोज हुए होंगे, जैसे सारे इंस्टीट्यूट बंद है, आप उनसे पता करो कि कब खुल रहे हैं और कौन कौन से कोर्स पहले स्टार्ट होंगे और वहाँ पे आप जाके कोर्स कर सकते हो। एडमिशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एडमिशन पाना बहुत आसान है, सीधे इंस्टीट्यूट पे जाना है। मान लो आप ऑटो कैड सीखना चाहते हो और ऑटो कैड 2 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो आपको 1 मई को जाना है और वहाँ पे एक फॉर्म भरना होता है सिंपल सा और आप आसानी से वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपली एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों रूटसेट के कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ही फ्री में हॉस्टल और फूड दिया जाता है, सारे इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटी नहीं है, कुछ ही इंस्टीट्यूट में है। मैंने खुद ही ऑटो कैड किया था रूटसेट डासना से, वहाँ पे ये फैसिलिटी है, वहाँ पे आपको फ्री हॉस्टल दिया जाता है, कैंटीन है, वहाँ पे फूड वगैरह सब मिलते हैं। दोस्तों हॉस्टल एंड फूड कुछ ही ब्रांचों पे है, जैसे गाजियाबाद का डासना, बाकी आपको फ्री एजुकेशन, फ्री स्किल डेवलपमेंट रूटसेट के हर एक ब्रांच पे मिल जाएगा। आप पता भी कर सकते हो कौन कौन से ब्रांच पे ये फ्री स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आपको फूड और हॉस्टल भी प्रोवाइड कराया जाता है। इस तरह आप यूनिट सेक्शन में जाके हर एक ब्रांच का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर निकाल सकते हो और कॉल करके पता कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह रूटसेट से भी आप छोटे छोटे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कर सकते हो और जॉब पा सकते हो। तो अब बात करते हैं तीसरे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों जो तीसरा इंस्टीट्यूट है वो है MSME टूल रूम। दोस्तों MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है, इसने ऑल ओवर इंडिया में कई सारे टूल रूम बनाए हुए हैं ताकि इंडियन इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर मिल पाए। और इन टूल रूम्स में बच्चे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और कुछ ऐसे भी टूल रूम है जहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है, साथ साथ में क्लासेस भी चलती हैं। दोस्तों इन टूल रूम्स में प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं और टूल्स, डिजाइन, मशीनरी से रिलेटेड, मैक्सिमम मैकेनिकल से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए जाते हैं और ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड होते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में जब टूल रूम खुला था तो वहाँ पे केवल टूल एंड डिजाइन मैकेनिकल से रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते थे, बट ऐसा नहीं है अब। अब बहुत सारे टूल रूम्स में बहुत हर तरह के कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जैसे PLC हो गया, ऑटो कैड हो गया, डिजाइनिंग से रिलेटेड हो गया, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, हर ब्रांच से रिलेटेड इन टूल रूम्स में ट्रेनिंग कराए जाते हैं और ये ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों अगर आप डिग्री, डिप्लोमा, मैकेनिकल किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से किए हो तो ये सारे टूल रूम आपके काफी काम आ सकते हैं। आपने सुना ही होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइनिंग हैदराबाद, इसको शॉर्ट में बोला जाता है CITD हैदराबाद, सेंट्रल टूल रूम लुधियाना, सेंट्रल टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता, इंडो जर्मन टूल रूम अहमदाबाद, इसको IGTR भी बोला जाता है। इस तरह के टूल रूम्स आपने सुने होंगे। ऐसे टोटल 15 टूल रूम्स है ऑल ओवर इंडिया में। इन टूल रूम्स में आजकल ऑटो कैड, CNC प्रोग्रामिंग, मशीनिंग, PLC प्रोडक्ट मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग, स्काडा, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, SAP, रेविट जैसे बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। दोस्तों अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि SC ST के लिए यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इवन डिप्लोमा तक के भी। अगर आप डिप्लोमा इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते हो तो आपको ये 1,20,000 रुपए का कोर्स बिल्कुल फ्री में होता है
लेकिन दोस्तों अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी ये इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों जितने भी टूल रूम इंडिया में हैं उनमें सबसे बेस्ट जो है वो है सीटीटीसी भुवनेश्वर, यानी सेंट्रल टूल रूम सेंटर भुवनेश्वर। यहाँ पे इसरो के पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं और दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने का काफी अच्छा मौका मिलता है बच्चों को, इसलिए यहाँ का कैंपस भी अच्छा जाता है। यहाँ का कैंपस, फैकल्टी, लैब्स सब कुछ काफी अच्छे हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक कोर्स है ADCNC, जो कि हाई स्कूल वालों के लिए है, एडवांस CNC प्रोग्रामिंग करके है। ये 6 मंथ का है और कोर्स फी भी कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, 40,000 के अराउंड ये कोर्स फी है ओबीसी वालों के लिए। और 6 मंथ का ये कोर्स है, जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी कर सकते हैं, और जो बीटेक किए हुए हैं उनके लिए भी एक CNC प्रोग्रामिंग का कोर्स है जो कि वो एडवांस लेवल का है। ये जो कोर्स है दोस्तों CNC से रिलेटेड CTC के CTTC के, वहाँ पे प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है। यहाँ पे 5वें महीने में, ये 6 मंथ का कोर्स है, 5वें महीने में ही सबका प्लेसमेंट हो जाता है, इतना अच्छा यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो जितने भी ये टूल रूम हैं वो सारे आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट है और आप टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाकर कोर्सेज देख सकते हो, जैसे स्काडा सीखना चाहते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो PLC सीखना चाहते हो, या फिर अगर आप हाई स्कूल पास हो तो ADCNC जैसे कोर्स ढूंढ रहे हो ताकि कोई रोजगार मिल जाए, तो दोस्तों ये सारे टूल रूम्स आपके काफी हेल्प करेंगे। अगर आप SC ST हो तो आपके लिए काफी अच्छी है, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन अगर आप OBC या जनरल हो तब भी आपके लिए काफी अफोर्डेबल पड़ेगा बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। और क्योंकि यहाँ पे सारे फैकल्टी काफी अच्छे होते हैं, वेल ट्रेंड और वेल एक्सपीरियंस होते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट से ज्यादा अच्छा सीख पाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो में हमने जाना वो 3 इंस्टीट्यूट कौन से हैं जहाँ पे आप फ्री में कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हो, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए यूजफुल वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप डिजिटल फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने कोर्स ढूंढ लिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ वीडियो का लिंक, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे उस कोर्स में इनरोल होना है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।